दोस्तों आज इस वीडियो में मैं यूजीसी की नई गाइडलाइंस के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट एक समय में दो डिग्री ले सकता है। खासकर ये स्कीम उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कम समय में ज़्यादा डिग्रियाँ लेना चाहते हैं। कहने का मतलब है, पहले क्या था कि एट अ टाइम आप कोई एक डिग्री कम्प्लीट कर सकते हैं, बट यूजीसी ने इस अपकमिंग सेशन मीन्स 2022 और 23 से एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर एट ए टाइम दो डिग्री लेना चाहता है तो ले सकता है, वो कर सकता है। इसमें अब कोई ऑब्जेक्शन यूजीसी की तरफ से नहीं है। ये सर्कुलर 13 अप्रैल 2022 को जारी हुआ है। उसके एक दिन के बाद ही यूजीसी ने एक गाइडलाइंस जारी कर दी कि इसमें क्या कंडीशन है और क्या रूल्स हैं कि जो हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि सपोज कोई एक बच्चा बीटेक कर रहा है, उसके साथ अगर वो बीए करना चाहता है तो कर सकता है, अब कोई उसे ऑब्जेक्शन नहीं है। वो अगर कोई बच्चा एक यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा है, दूसरे से बीए करना चाहता है तो वो कर सकता है एट ए टाइम, यूनिवर्सिटी को या यूजीसी को इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसमें क्या है कि दो तीन कंडीशन है, उसको यूनिवर्सिटी को भी ध्यान में रखना होगा और स्टूडेंट को भी ध्यान में रखना होगा। कहने का मतलब है कि इन दोनों केस में मान लीजिए कोई बच्चा एक यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा है, दूसरे से बीए कर रहा है, तो दोनों की टाइमिंग है वो सेम नहीं होनी चाहिए, उस केस में वो वैलिड नहीं होगा। मीन्स सपोज बीटेक की क्लास अगर 10 से 5 चल रही है फिजिकल मोड में और बीए की भी क्लास 10 से 5 चल रही है फिजिकल मोड में, तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एट ए टाइम एक ही समय में आप दोनों नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ ऑप्शन क्या है कि मान लीजिए भाई आपकी बीटेक की क्लास 10 से 4 चल रही है और बीए की क्लास 5 से 7 चल रही है, तो इट इज़ ओके, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि इंडिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इवनिंग क्लासेस भी चलती हैं। अगर हम एग्जांपल लें दिल्ली यूनिवर्सिटी की या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे बेसिकली बच्चे इतना ज़्यादा है कि उनके लिए इवनिंग बैचेज भी चलाए जाते हैं। तो जो बच्चा बीटेक कर रहा है वहीं दिल्ली आईआईटी से, अगर वो बीए फ्रेंच में करना चाहता है तो डेफिनेटली वो कर सकता है, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में उसने बीटेक किया और इवनिंग के सेशन में वो बीए कर सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ इसमें एक कंडीशन और है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ आप ग्रेजुएशन की ही डिग्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं दूसरे में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं एक ही साथ, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो दोनों डिग्री ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो दोनों डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ये कंडीशन पीएचडी पे अप्लीकेबल नहीं है। आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लेकिन ये पीएचडी पे अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो अलग ऑप्शन है। इसमें क्या है कि दोनों डिग्री आप फिजिकल मोड में कर सकते हैं, कंडीशन ये है कि टाइम ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एक डिग्री आप फिजिकल मोड में कर सकते हैं, दूसरी डिग्री आप चाहें तो ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि दोनों डिग्री आप चाहें तो ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। वो आप ऑनलाइन में तो टाइमिंग आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इससे बहुत बेनिफिशियल भी है बहुत से स्टूडेंट के लिए जो किसी कारणवश अपनी इच्छाएं या जो भी है वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर कोई बच्चा बीटेक के लिए अप्लाई कर रहा है, इन केस उसका बीटेक में एडमिशन नहीं हुआ, वो कोई और बीएससी करने लगा, लेकिन उसके पास अब ऑप्शन होगा कि इसके वजह से जब से एनएपी 2020 लागू हुआ है और जब से ये टू एकेडमिक प्रोग्राम लागू है, मीन्स जब से यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई है, डेफिनेटली बहुत से यूनिवर्सिटी या बहुत से कॉलेज ऐसे होंगे कि जो इवनिंग सेशन चलाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। अगर वो चलाते हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ सीटें भी बढ़ेंगी। जब नंबर ऑफ़ सीटें भी बढ़ेंगी तो स्टूडेंट को नए नए कोर्स सीखने के मौके भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि पहले 3 साल में कोई बच्चा अगर एक कोर्स कंप्लीट करता था, उसी 3 साल में अब चाहें तो वो 2 कोर्स भी कंप्लीट कर सकता है। अब रही बात तीसरे का कोई ऑप्शन नहीं है, अभी सिर्फ 2 ही तक ही लिमिट है, और लिमिट है कि ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन का ही कोर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन का ही कर सकता है, और ये कंडीशन अभी पीएचडी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एक जगह से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं दूसरे से पोस्ट ग्रेजुएशन, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन एनी हाउ अगर देखा जाए, जो अगर हम समरी की बात करें, तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट होने जा रहे हैं
और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के लिए नए ऑप्शन ओपन होने जा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि इस सेशन से बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस अपना इवनिंग सेशन भी चलाना स्टार्ट कर दें, जिससे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को इनरोल कर सके और बच्चे भी एट अ टाइम बहुत सारी डिग्री भी ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।